गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीदा हब की तरफ से मैं आपका अपना रंजीत सिंह, और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कनाडा NOC लिस्ट के बारे में। इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लाइव होकर आपको NOC 0A B कैटेगरीज के बारे में बताया था। लेकिन आप सब कह रहे थे कि एक वीडियो प्लीज़ अपलोड की जाए, जिसमें इनकी ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ कि बेसिकली व्हाट इज़ कनाडा NOC लिस्ट, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनके बारे में कुछ डाउट्स हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं उनको क्लैरिफिकेशन दे सकूं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, आई हैड मेड वन दिस MS वर्ड फाइल, तो आप इसको देख सकते हैं। NOC का मतलब होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशंस। इसमें इन्होंने सारी जॉब्स को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है। लाइक स्किल टाइप 0, 0 मीन्स मैनेजमेंट जॉब्स सच एज लाइक रेस्टोरेंट मैनेजर, माइन मैनेजर, शोर कैप्टन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन स्किल लेवल ए, जिसमें आती हैं प्रोफेशनल जॉब्स, ठीक है, जिनके लिए डिग्री की ज़रूरत होती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, लाइक डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स एंड आर्किटेक्ट्स टाइप। देन स्किल लेवल बी, जिसमें टेक्निकल जॉब्स आती हैं एंड स्किल ट्रेड्स होती हैं, जिनके लिए यूजुअली मोस्ट प्रॉबली कॉलेज डिप्लोमा या ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। तो उसमें जॉब्स आती हैं लाइक शेफ्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए। देन स्किल लेवल सी, जिसमें इंटरमीडिएट जॉब्स आती हैं उस लाइक इंडस्ट्रियल बचर्स, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स। स्किल लेवल डी, लेबर जॉब्स मोस्ट प्रोबली लाइक फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ, ऑयल फील्ड वर्कर्स। फ्रेंड्स, NOC लिस्ट के बारे में आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जिस किसी भी मेरे फ्रेंड ने अगर PR लगानी है कनाडा की, वो सोच रहे हैं, तो सबसे पहले कनाडा की NOC लिस्ट में उनको अपना प्रोफाइल देखना पड़ता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेस्टोरेंट मैनेजर है तो उसको सबसे पहले करना क्या है, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, आप गूगल पर लिखेंगे कनाडा NOC लिस्ट, तो पहली वेबसाइट आएगी, दैट इज़ www.cac.gc.ca। तो उसके अंदर जाके देखिए, ये मैंने भी यहाँ से सर्च किया है, फाइंड योर NOC नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, इसमें ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, 0A B C D। और इसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो ये देखिए, फिल्टर आइटम्स, यहाँ पर अगर आप अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर, ये देखिए मैंने जैसे रेस्टोरेंट लिखा, आप चेक कर सकते, देखिए ये क्या आ गया, फिल्टर हो गया ना, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर आ गया, कैटेगरी दैट इज़ 0। ओके, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे, इसका आपका NOC कोड आ गया 0631। अब इसके अंदर देखिए, ये एग्जाम्पल टाइटल्स है सारी, बार मैनेजर, कैफेटेरिया, डाइनिंग रूम मैनेजर, ठीक है, तो आप सारे टाइटल्स इनको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, टी रूम मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, इस पे सारे आ जाते हैं। और इसी के अगर मैं आपको दिखाऊं, मेन ड्यूटीज़ भी इसमें आ जाती हैं, ये देखिए सारी ड्यूटीज़ आ गई। और इसमें एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट भी आ गई कि कंप्लीशन ऑफ अ कॉलेज और अदर रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज मैनेजमेंट इज यूजली रिक्वायर्ड। तो इसके लिए मतलब आपको ये एक डिप्लोमा इसका करना होगा, और सेवरल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फूड सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो इन द सेंस कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू सर्च। ओके, तो आगे हम बात करते हैं NOC कोड मीन्स। अगर 0 है मीन्स मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, 1 है तो बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2 है तो नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज, 3 है तो हेल्थ ऑक्यूपेशन। सो व्हाट इज़ दिस 0, 1, 2, 3? इसका मतलब है कि जो कोड 0 से शुरू हो रहे हैं वो मैनेजमेंट में आते हैं, जो 1 से शुरू हो रहे हैं वो बिजनेस फाइनेंस, जो 2 से वो वे, 3 से जो हेल्थ ऑक्यूपेशन, 4 से वो ऑक्यूपेशन इन एजुकेशन, अगर 5 से शुरू होते हैं वो ऑक्यूपेशन इन आर्ट कल्चर रिक्रिएशन, 6 से सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशन, 7 से ट्रेड्स ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट, 8 से नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, 9 से दैट इज ऑक्यूपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी। तो आइए आगे बात कर रहे हैं कि NOC लिस्ट जॉब्स। अब ये एक पूरी MS वर्ड फाइल है जो मैं आपका इसको कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको ये फाइल चाहिए होगी तो आप मुझे hub@gmail.com में मेल कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहीं पर मेल कर दूँ। इसमें ये देखिए, अब कोड है 0011, दैट इज़ लेजिस्लेटर्स, ठीक है। कुछ ये 6 कोड हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो 00 से शुरू होते हैं। ये वो ऑक्यूपेशंस हैं, अगर आपको इन ऑक्यूपेशंस
में अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो इसके आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं। यस, जो जॉब कोड्स 00 से शुरू होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं नॉर्मली, तो बाकी बाकी कोई भी मतलब हो तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं जॉब ऑफर में। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन 00 से शुरू होता है तो फिर आपको जॉब ऑफर अगर वहाँ से मिलती है, कनाडा से अगर आती है किसी एम्प्लॉयर से, तो आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं बजाय कि 50 पॉइंट से। तो चलिए, बाकी ये सारे हैं लाइक फाइनेंशियल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये सारे लिखे हुए हैं A to Z। 0 वाले ये देखिए, फिर 1 वाले आ गए, देन 2 वाले, देन 3 वाले, इस तरह से आप ये सभी देख सकते हो। 3, 4, 5, 6, 7 इनकी कैटेगरीज इनके सामने आ रही हैं। कोई A0 है तो कोई A तो कोई B। अब बात करते हैं कैटेगरी सी जॉब्स की। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें मेजर ग्रुप 14 है, ऑफिस सपोर्ट ऑक्यूपेशंस, इसमें ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, जनरल ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, लाइब्रेरी कॉरेस्पॉन्डेंट, अदर क्लर्क्स। देन मेजर ग्रुप 15 आता है, ठीक है, देन मेजर ग्रुप 34 है। तो बट इन जॉब्स की कोई खास डिमांड नहीं है, डिमांड है 0 A B की, बिकॉज उसी में पियर होती है। ठीक है, तो बट स्टिल मैंने फिर भी ये ढूंढ के नेट से कहीं ना कहीं से आपके लिए ये अपलोड कर दिए हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट्स में देखेंगे तो आपको सी और डी कैटेगरीज बहुत कम दिखाई देंगी, बट आई हैड डन, मतलब इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, ताकि कई बार कुछ लोग पूछते होते हैं कि सर सी और डी में मतलब क्या हम कर सकते हैं, तो ये सी और डी कैटेगरी है। सो फ्रेंड्स, आपको इस वर्ड फाइल की भी फ़िलहाल वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने अगर NOC जॉब को ढूंढना है अपना तो आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके लिखे कनाडा NO लिस्ट, ठीक है, NOC लिस्ट, और आपको पास सामने ये वाला पेज इस तरह आ जाएगा, फर्स्ट पेज ही होगा, उसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे टाइटल्स। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह ये पेज आएगा CIC.GC.CA का, उस पे जाके नीचे जाके यहाँ फिल्टर की ऑप्शन आती है, ये देखिए। अब यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन लिखिए, जैसे आप कस्टमर सर्विस मैनेजर हैं या किसी भी फील्ड से आप ताल्लुकात रखते हैं, आप यहाँ पर अपना लिखेंगे तो उसी टाइम आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आ जाएगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अकाउंटेंट की। अब ये देखिए, मैंने अकाउंटेंट लिखा तो ये ऑक्यूपेशन है उसमें, बस। फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स एंड सुपरवाइजर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफिस वर्कर्स। ये नहीं है कि इसमें सी डी नहीं है, वो भी हैं। ये देखिए, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स मैंने लिखना चाहता था, तो इसका आ गया ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स इसी कैटेगरी में ही आते हैं आगे जाके, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स में ही, और एक दूसरी ये कैटेगरी आ गई जो बी में आती है। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे, आगे जाके ये देखिए आपके टाइटल इसमें आ जाएगा, ये देखिए लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर। ठीक है, ये बाकी के सारे टाइटल हैं। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस, कोई इतना मुश्किल नहीं है। NOC लिस्ट मतलब कि आपको जो उसमें अपना ऑक्यूपेशन को ढूंढने की, आप इजीली अपना ऑक्यूपेशन ढूंढ सकते हैं, उसको क्लिक कीजिए, उसके आगे आपका सब कुछ लिखा होगा कि आपकी क्या जॉब ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको डिग्री चाहिए नहीं चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ओके फ्रेंड्स, सो एंड सेकेंडली, आप वीज़ा हब जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। और इन केस आपकी कोई डिमांड है, आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी तरह से मेरी हेल्प चाहिए, तो यू कैन मेल मी एट hubvisa@gmail.com। ओके, एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल भी है सिंह व्लॉग्स, तो उसे भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।